नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। फरीदकोट के बीएसएफ आर्टलरी हेडक्वार्टर में गोल्डन जुबली दिवस पर समागम का किया गया आयोजन, यादगारी ट्रॉफी की स्थापना। नाभा में नौजवान पीढ़ी को शिक्षा देने के लिए एक नाटक का किया गया मंचन, इलाका विधायक गुरदेव सिंह देवमान्य की शिरकत। और अब हलचल विस्तार से। फरीदकोट के बीएसएफ आर्टलरी हेडक्वार्टर में गोल्डन जुबली दिवस के मौके पर ब्रिगेडियर राजीव लो के निर्देशों पर और डिप्टी कमांडर महेंद्र सिंह की निगरानी में प्रभावशाली समागम करवाया गया, जिसके चलते बीएसएफ आर्टलरी को बनाने वाले अधिकारियों और बीएसएफ आर्टलरी की आन बान और शान की सुरक्षा के लिए शहीद हुए सभी जवानों को समर्पित करते हुए ब्रिगेडियर राजीव लो डीआईजी कमांडर की ओर से शानदार ट्रॉफी का निर्माण करवाया गया, ताकि आने वाले समय में गोल्डन जुबली के मौके पर करवाए गए प्रोग्रामों की याद हमेशा ताज़ा रहे। इस मौके पर बीएसएफ आर्टलरी हेडक्वार्टर के सभी छोटे बड़े अधिकारी और जवान हाजिर रहे। इस दौरान डिप्टी कमांडर महेंद्र सिंह की ओर से जवानों और पत्रकारों के साथ ट्रॉफी की महानता के बारे जानकारी साझा की गई। फरीदकोट से हलचल के लिए गुरप्रीत सिंह की रिपोर्ट। आज का ये जो प्रोग्राम है बीएसएफ आर्टलरी की गोल्डन जुबली के उपलब्ध पे ये शानदार ट्रॉफी को अनवेल करने के लिए कराया गया। ये बीएसएफ आर्टी गोल्डन जुबली ट्रॉफी जो है हमने उन सभी शहीदों के लिए समर्पित हम करते हैं जिन्होंने अपनी जान गंवा करके बीएसएफ आर्टलरी का नाम रोशन किया है। ये ट्रॉफी उनको भी समर्पित है जिन्होंने बीएसएफ आर्टी को खड़ा किया, यानी कि हमारे जो फाउंडिंग फादर्स हैं, ये जितने आप पिलर देख रहे हैं यहाँ पर सबके नाम लिखे हुए हैं, और इन्होंने बीएसएफ आर्टलरी को सपोर्ट दिया, मार्गदर्शन किया और उनको उसको आगे लेकर के चले। और ये ट्रॉफी उन सब के लिए भी समर्पित है जो अब आज के दिन में सर्विंग हैं और रिटायर्ड बीएसएफ आर्टलरी के हमारे ऑफिसर्स एसओज और जवान हैं, जिनके कारण बीएसएफ आर्टलरी आज उन ऊंचाइयों तक पहुंच रही है। नाभा में भाई कान्हू सिंह नाभा रचना विचार मंच जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्था और नाभा सोशल वेलफेयर एंड कल्चरल क्लब की ओर से प्रसिद्ध पंजाबी कवित्री के जीवन पर आधारित राहा विच अंग्यार बड़े सी नामक एक पात्री नाटक करवाया गया। ये नाटक नौजवान पीढ़ी को अच्छी सोच देने के लिए विशेष तौर पर करवाया गया। इस मौके पर नाभा क्षेत्र से विधायक गुरदेव सिंह देवमान ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और नौजवानों को प्रेरणा दी कि वे इंटरनेट को कम अहमियत दें और स्वास्थ्य के साथ जुड़कर अधिक से अधिक सभ्याचारिक प्रेरणा दें। नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट। अज मैडम सुखविंदर अमृत जी के बहुत बड़े कवित्री ने पंजाब के, उन्होंने नाटक है जी राहां विच अंग्यार बड़े सी, वो पेशकारी है जी डाइट के इतने नाभा के नागर साहब दर्शन बुटर जी सारी टीम ने रल के बहुत व्डा उपराला किया। मैं उन्होंने धन्यवाद करता और मैंने एज ए चीफ गैसट इतने बुलाया। कला दे विचरना बड़ा जरूरी है जी, और कला जी है जिते सभ्याचार मजबूत करती है, पंजाबी जबान मजबूत करती है, सूखमता दे सानू नेड़े लैके जाती है। और सुखविंदर अमृत जी वर्गे जिहड़े राइटर ने लिखण वाले ने ते उन्हां दा नाभे दे विच आउणा अपने आप दे विच बहुत वड्डी गल है जी। मैं उन्हां नूं जीआं कहना उहदा बहुत बहुत धन्नवाद है। की गल किस तरह सोचदे नौजवान पीढ़ी इस तों परां हुंदी जा रही है साहित ते? नौजवान पीढ़ी बेसिकली एक्चुअली इंटरनेट नाल जुड़ गई है जी, वह किताब नहीं पढ़ते, वो थिएटर जिहड़ा जी ड्रामा आपां जिहनूं कहिंदे आ उह नहीं देखते, फिल्मां भी बहुत घट देखते आ हुण, व्हाट्सएप फेसबुक ते ज़्यादा बिजी हो गए। कितने कितने जरूरत है सानू सारयां नूं इस तरह के जिहड़े ने प्रोग्राम कराउण दे, जिवें नागर साहब हुणां ने उपराला किया, बुट साहब हुणां ने, तां इह वड्डी गल है जी कि जिहड़े बच्चे इत्थे पढ़ रहे ने, मैं देखिया वड्डी गिणती च बच्चियां बैठियां ने, ते उहनां लई बहुत वड्डी गल है इह कि उहनां नूं इस उम्र च जदों उहनां नूं भी सिखण दी तांग है कि उहनां नूं बहुत चीज़ां सिखण नूं मिल गईआं। जदों स्टेज दे उप्पर उह जिहड़ा प्ले खेडणगे उहदे विचों बहुत मैसेजेस ने, औरत की कहानी है किमें औरत संघर्ष के निकलती है। नाभा रचना विचार मंच प्रधान केंद्रीय पंजाबी लेख सभा नाभे की
ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਾਭੇ ਦੇ ਧਰਮੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਨਾਟਕ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਿਆਰ ਬੜੇ ਸੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਮਰਾਲਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਕਮਲ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਖੇਡਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾਭਨ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਪਾਤਰ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਸੰਵੇਦਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਟਕ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਭੇ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਰਚਨਾ ਵਿਚਾਰ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ, ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵੱਲੋਂ, ਨਾਭਾ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਂਡ ਕਲਚਰਲ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਨਵਕਿਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹਿਤ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਟਕ ਨਾਭਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦੌਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਕਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਲਚਰ ਦੇ ਸਕੇ ਆ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਸਾਹਿਤਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸੇਧ ਮਿਲੇ। ਬੜੇ ਲੱਚਰ ਗਾਣੇ, ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਇੱਕ ਉਹ ਆ ਪਹਿਚਾਣ ਆ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਭੀੜ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਜੇ ਗਿਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਰ ਖੇਤਰ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ, ਹਰ ਚਾਹੇ ਕਲਾ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ, ਜਿਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਆ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਟਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੋਊਗਾ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਯੋਗ ਆਸ਼ਰਮ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਨਵੀਨ ਆਰਿਆ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੇ ਮਦਨ ਮਾਲਵੀਏ ਰੋਡ ਪਰ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਮੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈਲਥ ਮੇਲਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਵਸਰ ਪਰ ਅਨੁਭਵੀ ਚਿਕਿਤਸਕੋ ਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮੇਲੇ ਮੇ ਆਏ ਲੋਗੋ ਕੀ ਜਾਂਚ ਵ ਇਲਾਜ ਕੀਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਨਵੀਨ ਆਰਿਆ ਨੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿਆ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਹਮ ਆਯੁਰਵੇਦਿਕ ਪੱਧਤੀ ਕੋ ਅਪਣਾਏ ਤੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਵਸਥ ਰਹੇਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਨਵੀਨ ਆਰਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਹਮਾਰਾ ਆਹਾਰ ਵ ਵਿਹਾਰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵ ਮੌਸਮ ਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਹੇਗਾ ਤੋ ਮੌਸਮੀ ਵ ਅਨਯ ਬਿਮਾਰੀਓ ਸੇ ਬਚਾਵ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿਸ਼ਵ ਕੀ ਸਭਸੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਚਿਕਿਤਸਾ ਪੱਧਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਮੇ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਸੇ ਬਚਾਓ ਵ ਸਵਸਥ ਜੀਵਨ ਕੇ ਨੁਸਖੇ ਦੀਏ ਗਏ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਰਾਧਿਕਾ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਜੀਵਨ ਮੇ ਬੜਤਾ ਤਨਾਵ ਅਨਯ ਬਿਮਾਰੀਓ ਕੋ ਵੀ ਨਿਯੋਤਾ ਦੇ ਰਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਆਹਾਰ ਏਵਮ ਨਿਯਮਿਤ ਦਿਨਚਰਿਆ ਅਪਣਾ ਕਰ ਬਚਾ ਜਾ ਸਕਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਅਸਫ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਕੇ ਦੁਆਰਾ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਕੇ ਮਾਧਿਅਮ ਸੇ ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈਓ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕੀਆ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲੀਏ ਸੁਨੀਲ ਖੋਸਲਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨਵੀਨ ਆਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਯੋਗ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਲਾਰੈਂਸ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਯੁਰਵੇਦਿਕ ਹੈਲਥ ਮੇਲਾ। ਇਸ ਹੈਲਥ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਸਟੀਰੋਇਡਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਅਸੀਂ ਆਯੁਰਵੇਦਿਕ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਟ ਕੋਸ ਤੋਂ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਰਾਧਿਕਾ ਅਰੋੜਾ ਹੈ। ਹਮ ਲੋਕ ਡਾਇਟ ਕੇ ਆਪਕੇ ਜੋ ਵੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼, ਥਾਇਰਾਇਡ ਜਾਂ ਆਪਕੋ ਵੇਟ ਲੋਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੀ ਵੀ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਆਤਾ ਹੈ ਤੋ ਉਸਕੋ ਡਾਇਟ ਕੇ ਸਾਥ ਹਮ ਲੋਕ ਸੋਲਵ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਆਪਕੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬੜੀ ਸੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜੋ ਆਪਕੋ ਨਹੀਂ ਕਿਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਠੀਕ ਹੋ ਪਾਤੀ, ਅਗਰ ਹਮ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਔਰ ਆਪਣੀ ਡਾਇਟ ਠੀਕ ਕਰਤੇ ਹੈ ਤੋ ਆਪਕੋ ਕਿਤਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੇ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਮੈਡੀਸਨ ਜੋ ਆਪਕੋ ਠੀਕ ਹੋਣੇ ਕਾ ਇੱਕ ਮਿਲਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਬੋਲੂੰਗੀ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਆਪ ਜਿਤਨਾ ਹੋ ਸਕਤਾ ਹੈ ਘਰ ਕਾ ਬਣਾ ਖਾਣਾ ਖਾਓ, ਜੰਕ ਫੂਡ ਕੋ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫੂਡ ਕੋ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੋ ਆਇਲੀ ਫੂਡ, ਫਰਾਈਡ ਫੂਡ ਉਨਕੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕਰੋ। ਪਾਣੀ ਆਪਣੀ ਡਾਇਟ ਮੇਂ ਅੱਛਾ ਪੀਓ, ਜਿਤਨਾ ਫਾਈਬਰ ਹੋ ਸਕਤਾ ਹੈ ਫਾਈਬਰ ਅੱਛਾ ਲੋ, ਫਰੂਟਸ ਕੋ ਆਪਣੀ ਡਾਇਟ ਮੇਂ ਡੇਲੀ ਏਕ ਸੇ ਦੋ ਬਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਓ, ਸੈਲਡ ਏਕ ਪਲੇਟ ਭਰ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਣਾ ਖਾਓ। ਹਾਏ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਅਸਫ ਅਰੋੜਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿਨੈਕਲ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਫਾਊਂਡਰ ਅਤੇ ਓਨਰ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈਗਾ ਅਲਫਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਦਗੁਰਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਕਲੀਨਿਕ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਦਰਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਸਰਵਾਈਕਲ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ, ਕਮਰ ਦਰਦ, ਯਾਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫਿਰ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਲੱਸ ਉੱਥੇ ਅਲੱਗ ਨਿਊ ਟੈਕਨੀਕਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੱਪਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਡਰਾਈ ਨੀਡਲਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੈਕਨੀਕਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉੱਤਰ ਰੇਲਵੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਬ੍ਰਾਂਚ 2 ਔਰ ਬ੍ਰਾਂਚ 3 ਕੇ ਸਦਸਿਓ ਕਾ ਖੁਲਾ ਇਜਲਾਸ
किया गया, जिसमें उत्तर रेलवे मजदूर यूनियन की नई दिल्ली में 14 मांगों को लेकर जो मांग पत्र दिया गया था पर विचार विमर्श किया गया और हल के लिए रणनीति तैयार की गई एवं दोनों ब्रांचों के 2 वर्ष बाद जो चुनाव होने थे उन दोनों ब्रांचों से सर्वसम्मति से ब्रांच नंबर 2 से नरेश कुमार ब्रांच सेक्रेटरी, राजवीर सिंह ब्रांच प्रधान और राजेश कुमार सेंट्रल वाइस प्रेसिडेंट डिविजनल सेक्रेटरी उत्तर रेलवे मजदूर यूनियन को उनको यह अधिकार दिया गया है कि वह ऑफिस बैरियर और बाकी सदस्यों से विचार कर 2 या 3 दिन में अपनी टीम का गठन करेंगे। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। यूआरएम जो दे ऑफिस दे विच दोनों ब्रांचा दी अमृतसर ब्रांच नंबर 2 और अमृतसर ब्रांच नंबर 3 दी साथियों ने ब्रांच काउंसिल की है जड़ा कि यूनियन दे संविधान और रेलवे रूल दे मुताबिक 2 महीने च एक बार इन्हां दी ब्रांच करनी हुंदी है। इन्हां दे ब्रांचा दे इलेक्शन ड्यू सी, अज सारे साथियों नूं बुलाया गया और सर्वसम्मति दे नाल सारे साथियों ने मैनू अपना अधिकार दे दिता गया कि उस जो असी एज ए वाइस प्रेजिडेंट एज ए डिविजनल सैकटरी जो असी बॉडी नू सर्वसम्मति नाल रिकमेंड करके भेजांगे वो जनरल सैकटरी साहब नू भेज दी जाएगी। मैं ब्रांच का धन्यवाद करदा कि इन्हां ने जिहड़े इलैक्शन अपने है वो सर्वसम्मति नाल वो शांतमई ढंग नाल संपन्न कीते है। मैं इन्हां दी ब्रांच नू वधाई दिंदा। माँ बंगला मुखी धाम नजदीक लम्मा पिंड चौक हुशियारपुर रोड पर स्थित गुलमोहर सिटी में धाम के संस्थापक एवं संचालक नवजीत भारद्वाज की अध्यक्षता में साप्ताहिक माँ बंगला मुखी हवन यज्ञ करवाया गया, जिसमें सबसे पहले ब्राह्मणों द्वारा नवग्रह पंचोपचार षोडशोपचार गौरी गणेश कुंभ पूजन माँ बंगला मुखी जी के निमित्त मंत्र माला जाप कर मुख्य यजमान अमरजीत सिंह से सपरिवार पूजा अर्चना उपरांत हवन यज्ञ में आहूतियां डलवाई गई, जिसके बाद नवजीत भारद्वाज ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि हमारे कर्मों के कारण ही हम लगातार जन्मों जन्मों के चक्कर में आते हैं। हमारे सभी सुख और दुख के अनुभव हमारे पूर्व जन्मों में इकट्ठा किए गए कर्मों का परिणाम है। तो वहीं आज के हवन यज्ञ की अग्नि में ओमकार स्वरूप के दर्शन कर आए हुए सभी माँ भक्त कृतार्थ हुए। इस अवसर पर विक्रम भसीन, पूनम प्रभाकर, मोनिका कपूर, नीरज कपूर, श्रीकंठ जज, हरिशंकर शर्मा, विक्रम, संजीव सौंधी, बलजिंदर सिंह, रविंद्र बांसल, प्रिंस कुंडल, अनिल चड्डा, रोहित भाटिया, गौरव कोहली, अमरेंद्र कुमार शर्मा, राजेंद्र कत्याल, राकेश प्रभाकर, बलवंत बाला सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। आरती उपरांत प्रसाद रूपी लंगर भंडारे का भी आयोजन किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। जी अज मां बगला मुखी धाम गुलमोहर सिटी जो कि लम्मा पिंड चौंक के नज़दीक स्थित है, नीरज कपूर जी जिहड़े माँ के अनन्य भगत है, महामाई ने बहुत कृपा इन्हां दे परिवार से की है। इन्हां ने इस खुशी दे विच माँ के दरबार से माँ बगला मुखी जी दे नूं इह चरण पादुका अर्पित की है। महामाई इदां ही अपने भगतों के उत्ते मेहर भरिया हथ रखे और घर परिवार से सुख शांति देवे। महामाई का जिहड़ा पावन मेला है वह 28 तरीक दिन शुक्रवार को अगले शुक्रवार को आ रहा, आप आओ, अपने सारे जिहड़े भी तुहाडे मित्रगण संबंधी है उन्हां दे नाल आ के दरबार से नतमस्तक होवो ते अपनियां झोलियां खुशियां नाल भरो और इदां ही दाती सारिआं नूं अपने भगतां नूं अपना मेहर भरिया हथ दे और इदां ही कृपा करे। जकारा बगला मुखी माता जी दा बहुत सच्चे दरबार की जय। माँ माई ने बहुत मेहर भरिया हथ रखे जी साढ़े परिवार के उपर। मैं जो चीज़ दाती अगर अरदास लगाई सी मेरी दाती ने वो कबूल की है, उसी के उपलक्ष्य के मैं माँ माई के चरण पादुका बनवाए है तो वो मंदिर परिसर में हैंडओवर कर रहे हैं। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नज़र फिर से। फरीदकोट के बीएसएफ आर्टलरी हेडक्वार्टर में गोल्डन जुबली दिवस पर समागम का किया गया आयोजन, यादगारी ट्रॉफी की स्थापना।
नाभा में नौजवान पीढ़ी को शिक्षा देने के लिए एक नाटक का किया गया मंचन, इलाका विधायक गुरदेव सिंह देवमान ने की शिरकत। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।